2016 से विज्ञप्ति निकली थी, उस समय हम सब लोग एलिजिबल थे, उस समय हमारी एज भी थी, हमने फॉर्म भरा था, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हुआ नहीं, वो उसमें हमने भर्तियाँ नहीं की। और 2016 साल लगाइए, 2021 है, तो हम लोग की एज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, तो एज तो हम ओवर एज हो चुके हैं। सरकार एक साल का रिलैक्सेशन दे रही है, बोल रही है, लेकिन वो भी नहीं होगा, उसमें हम लोग तो फिर कहीं से नहीं आते ना, तो हमें इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा हुआ, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ना। छोटा सा बच्चा था जिस वक्त ट्रेनिंग की थी, उसको छोड़ के हम गए थे। तो ऐसे मेरे साथ के और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ओवर एज हो चुकी हैं, तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि उस 2016 की विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुसार हमारी वरिष्ठता के आधार पर हमारी नियुक्ति हो और उसमें हम लोगों को भी शामिल किया जाए। और हमें कुछ नहीं पता, और ये दर दर भटकने के लिए सब मजबूर हैं। आधी बहनों की एज निकल गई है, आधी एज निकलने की कगार पे है, उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के ट्रेनिंग की है। एक मेरे साथ आई है, इनकी एज निकल गई है, तो ये क्यों आए हैं सर बताइए। आप हालात देखिए हमारे, इतनी तेज़ धूप में, कड़कते धूप, ये हमने साथ इनकी, और जो इससे पूर्व विज्ञप्ति निकली उसमें इनकी उम्र थी, सरकार की गलती से निरस्त हो गई और अब इनकी उम्र निकल गई, तो इन बेचारों का क्या दोष है इसमें? कब तक चलेगा ये ड्रामा, कब तक ये हम सहते रहेंगे? हमारी तो समस्या भरे और ये आंदोलन तेज होते जाएगा सर।